सर, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सा नाश्ता बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही कम समय में बन जाता है, और इस नाश्ते का नाम है हमारा सेवई। ये देख सकते हैं आप, मैंने दो बाउल्स में सेवई ले लिए, इनको जवे भी कहा जाता है। ये इसका रॉ फॉर्म है, ये हमने अपने हाथ से घर में ही बनाए हैं। मैदा और सूजी को गूंद कर और उसको इस शेप में हमने हाथों से तोड़ लिया है और ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको फिर ड्राई रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद इसका कलर ऐसा हो गया है, हमें इस कलर तक रोस्ट करना है। और जब हम ये डिश बनाएंगे तो हमें रोस्टेड ही सेवई की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए। ताज़े मटर है मेरे पास आधा कप, और एक शिमला मिर्च है मेरे पास, एक कटी हुई हरी मिर्च है, एक टमाटर है और एक कटा हुआ प्याज है। आइए मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल ले लिया है जो कि गर्म हो गया है। अब मैं अपने गैस को सिम कर दूंगी, और मुझे जरूरत पड़ेगी थोड़े से जीरे की। जीरा मैं थोड़ा सा ही डालूंगी, और जीरा जैसे ही क्रैक होने लगा अब मैं डालूंगी इसमें सरसों। सरसों मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होती है सरसों, मोटे दाने रहते हैं सरसों के, वो जरूरत है। मैं इसके अंदर सरसों के दाने डाल दूंगी। सरसों के दाने डालने के बाद थोड़ी सी मुझे हींग चाहिए, हींग डाल दूंगी मैं। हींग डालने के बाद मीडियम फ्लेम, मैं उनको लो कर दिया अपनी फ्लेम। अब मैं जो प्याज बारीक काटा था वो मैं इसमें छोड़ देती हूँ, चॉप प्याज। डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ, और थोड़ा वेट करती हूँ इसका ब्राउन होने का। प्याज आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे चला लूंगी, और इसको लगातार चला के भूनती रहूंगी। जैसे ही मेरे प्याज पक जाएंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, इसमें मैं फिर टमाटर और अपनी बाकी सब्जियां भी छोड़ दूंगी। प्याज हमारा लगभग भुन गया है, साथ ही साथ मैं इसमें चॉप टमाटर हैं जो मेरे वो डाल देती हूँ, और मेरी जो एक मिर्ची थी बारीक कटी हुई मैंने वो डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। इसको भूनने रखा हुआ है। अब साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी लगभग एक चम्मच नमक, और बाकी आप अपने स्वाद अनुसार देख सकते हैं कम या ज्यादा नमक। अभी इसे डालने के स्टेज पर क्या है, हमारा प्याज और टमाटर है वो अच्छे से जल्दी गल जाएगा, टाइम कम लेगा। मैंने डाल दिया है, साथ ही साथ मैं अपने मसाले भी डाल देती हूँ। मसाले में रहेगा मेरा एक चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच रहेगी मेरी हल्दी, और 1/4 चम्मच ही मैं लूंगी मिर्ची। ज़्यादा स्पाइसी अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, बाकी क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली भी डाल दिया तो वो भी अपने स्पाइस छोड़ देंगे। अब मैं इसको, आप देख सकते हैं पक चुका है, मैं बाकी सब्जियां भी डाल देती हूँ, साथ में मेरी और सब्जियां भी गल जाए। ये मैंने डाल दिया है चॉप कैप्सिकम, एक मैंने चॉप कैप्सिकम दिया था, और मैंने दिए थे फ्रेश मटर के दाने, वो डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि सारे मसालों में अच्छे से मिल जाए। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट पकाऊंगी ताकि मेरी जो मटर कच्ची है और जो मेरे कैप्सिकम कच्चे हैं वो पक जाए। मैं गैस को बिल्कुल मीडियम स्लो पे कर दूंगी और इसको ढक के रख देते हैं, मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपना मसाला चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मटर मेरे सारे अच्छे से
गल गए हैं, मैं इनको प्रेस करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये सारे मटर अच्छे से गल गए हैं। ये हम इसको चला लेते हैं अच्छे से। अब हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, जो हमारी भुनी हुई सेवियाँ थी होममेड, मैं इसमें डाल दूंगी। और सबसे ट्रिकी पार्ट होता है इसमें पानी का। पानी अगर ज़्यादा हो गया तो ये घुल जाएगी, कम रह गया तो ये कच्ची रह जाएगी। तो जितनी आपने सेवई ली है जिस बाउल में, आप उतना ही पानी लीजिए, वो डाल दें, और उससे थोड़ा सा, यानी हम कह सकते हैं सवा कटोरी पानी, हम सवा कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास एक कटोरी सेवई है तो सवा कटोरी का पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। यू कैन सी कि अभी कैसा दिख रहा है ना, झटपट इजी रेसिपी। और इन सेवई को काफी लोग मीठा भी बनाते हैं खीर की तरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, बट ये मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया है नाश्ता। अब मैं इसको ढकने जा रही हूँ। ढकने के बाद मैंने अपनी फ्लेम को कर दिया है मीडियम स्लो पर। अब मैं इसको 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद हम वापस आते हैं और चेक करते हैं। आइए अब हम चेक करते हैं अपनी सेवई। क्या इसको कर देते हैं टर्न ऑफ। ये देखिए ये लगभग बिल्कुल पक चुके हैं, पानी सारा इन्होंने सोक कर लिया है जितना हमने डाला था। तो पानी की रेशियो का मतलब हमने बहुत ध्यान रखना है इसको बनाते टाइम। अगर ज्यादा हो गई तो दिक्कत है, अगर कम हो गई तो दिक्कत है, इसलिए रेशियो ऑफ वाटर शुड बी परफेक्ट। अब मैं इसको थोड़ी देर ढका हुआ छोड़ दूंगी, थोड़ा बहुत जो भाप है पानी है सब इसको ऑब्जर्व कर लेगा, ये अपने आप ही खिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें नींबू निचोड़ कर सर्विंग के लिए तैयार करते हैं। चेक करते हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं गैस बंद करके इसको 5 मिनट ढक के रखने का फायदा, मेरी सेवियाँ कितनी खिली खिली हो गई है। और जब ये खिली खिली हो गई हैं, इसी टाइम पे मैं इसमें नींबू डाल दूंगी जो कि इसके टेस्ट को और इम्प्रूव कर देगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, अदरवाइज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अगर डालेंगे तो टेस्ट इससे बहुत बहुत अच्छा आएगा। अब नींबू डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। नींबू मेरा मिल गया है अच्छे से। अब हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी डाल के दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी स्टिक नहीं हुआ है। आप इस न्यू रेसिपी को प्लीज ट्राई कीजिए और मुझे बताइए, आपको डेफिनेटली ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अब हम। मैंने बाउल में सर्व कर दिया है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो आप अपने बच्चों के लिए भी ये बना सकते हैं और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके बच्चों को ये रेसिपी कैसी लगी। इसको सर्व कर देते हैं हम। मैंने अच्छे से 2 जगह सर्व कर दी है। अब आप बताइए व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मैंने प्लेटिंग कर दी है, अब आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हैं आपसे अगली वीडियो में।